एक किसी भी मुसलमान के घर में जाके देख लो, लड़िया भी नहीं मिलने की। तुम लोग तो बाकायदा सब लोग जो हैं ये तलवारें बांट रहे हैं, कहीं कुछ बांट रहे हैं। धरती मानंद ही तो करना है तैयारी, उन जैसे चार पांच भैया, एक हमारा वसीम रिजवी जो बना त्यागी बन गया वो, एक नरसिम्हानंद जी और ऐसी दो तीन और जो धर्म संसदें लगा रहे हैं, उनकी अपनी संसद पे तो विश्वास है नहीं। मुझे ये बताओ कि 90% हिंदू हैं, 10% अगर मुसलमान हैं, तो 90% पे हम कैसे भारी पड़ जाएंगे। और ये सब ये रिपब्लिक वाले घूम के मामला गलत कर रहे हैं, यहाँ पे ये माहौल बना रहे हैं ऐसा, फिर ये न्यूज ऐसे कौन कर रहा है? रिपब्लिक टीवी सिर्फ एक ही जिम्मेदार चैनल है, वो है रिपब्लिक टीवी। मैं भेजता हूँ, मेरा बच्चा सेंटर स्कूल में पढ़ता, ऐसी बात नहीं है, मगर आप खुद बताओ, आप मेरी उम्र के हो, हम लोग जब साथ में क्रिकेट खेलते थे तो क्या, या आज भी हम कुछ करते हैं तो क्या हमारे दिमागों में ये रहता? सर कब से माहौल बिगड़ा? अभी पिछले 14-15 साल से हो रहा माहौल खराब, आप देख लो आपके सामने कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा। आप तो खुद इसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं देखिए इसको व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे जो घर में बैठे हुए लोग काम करते हैं उनको समझता हूँ, जो लोग सड़क पे आके लोगों के साथ में रहते हैं उनको कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, हम सब यहाँ साथ में बैठे हैं, सब लोग साथ में हैं, कोई भी वो नहीं है। जो लोग अपने एसी में बैठे हुए व्हाट्सअप पे बैठे हुए यहाँ की वीडियो आई उसे आगे व्हाट्सअप कर दिया, सिर्फ ये माहौल ख़राब करना है, वही लोग डर भी रहे। हमें बहुत सोच समझ के हर चीज़ का जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें बढ़ाने की है, कौन सी चीज़ हमें नहीं बढ़ाने की। अगर जब कोई गलत होता है तो आप लोग आवाज़ उठाते हैं सर? क्यों नहीं उठाने, उठानी चाहिए गलत के लिए तो हमेशा। हम तो आज देख रहे हैं कि आज अगर यहाँ पे मुद्दा हुआ है तो आप बता रहे हैं कि कैसे माहौल ख़राब हो रहा है, लेकिन उसके अलावा कहीं जाके कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, रामनवमी पे हुआ, हनुमान जयंती पे हुआ, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, जबकि ये कहा जा रहा था। देखिए क्या आवाज़ उठाएं, आवाज़ को दबाया जा रहा दोस्त, कौन सी आवाज़ वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाइए, कौन कह रहा है कि हथियार उठाइए? आप आवाज़ उठाना आपका हक है। सलमान के घर में लड़िया तक ना मिलने की, एक किसी भी मुसलमान के घर में जाके देख लो, लड़िया भी नहीं मिलने की। तुम लोग तो बाकायदा सब लोग जो हैं ये तलवारें बांट रहे हैं, कहीं कुछ बांट रहे हैं, अभी गुजरात वहाँ पे बॉम्बे में 300 तलवारें पकड़ी गई हैं और जगह बताओ कि हो रहा नहीं। कि सनातन धर्म के बाबा है नरसिंहानंद, वो कहते हैं मुसलमानों ने पूरी तैयारी कर रखी है, आप लोग भी नरसिम्हानंद ही तो करना है तैयारी, उन जैसे चार पांच भैया, एक हमारा वसीम रिजवी जो बना त्यागी बन गया वो, एक नरसिम्हानंद जी और ऐसी दो तीन और जो धर्म संसदें लगा रहे हैं, उनकी अपनी संसद पे तो विश्वास है नहीं, वो अपनी संसद बनाना चाहते हैं और वो वहाँ पर ये मैसेज देते हैं कि साहब मुसलमान जो है वो हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि 90% हिंदू हैं, 10% अगर मुसलमान हैं, तो 90% पे हम कैसे भारी पड़ जाएंगे? आप जो मैसेज देना चाहो, हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व कैसे खतरे में हो सकता है यार, हिंदुत्व तो हम भी हिंदू हैं, हम तुम्हारे साथ मिलके क्या नहीं करते? मुझे बताओ हम आपके साथ मिलके क्या नहीं करते? बाबाओं को क्या मैसेज देंगे सर? बार बार देखो भड़काऊ बयान सामने आते हैं। बाबाओं को बुरा मत कहिए, बाबा नहीं है वो, ढोंगी बाबा है, बाबा और भी हैं जो हमारे देश में माहौल अच्छा बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मंदिरों के संत हैं, वो कोई आके आ रहा कि मुसलमानों के खिलाफ कोई बात कर रहा? मुझे आप बताओ, ये जो छुट भैया जिन्हें अपनी पब्लिसिटी चाहिए, जो एक छोटी सी मंदिर का पुजारी हो गए, वो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे उसमें राज करने की कोशिश में लगा हुआ कि मेरा पैसा हो जाए, सिर्फ ये पैसे की लालच है और अपनी जो है पॉपुलेशन, अपनी जो मतलब कहना चाहिए कि उसको मशहूर होने के लिए वो सब ये कर रहा है। तो ये जितेंद्र त्यागी भी क्या जितेंद्र त्यागी जो अपनों का ना हुआ वो दूसरों का क्या होगा यार, वो तो लेडी आदमी, वो तो किसी काम का ही नहीं है। आपसे पहले वो बड़े पद पे थे सर, पद पे होना, पद पे भी तो गलत तरीके से बैठा था वो। अच्छा। वो पद पे कोई अनऑथराइज तरीके से कोई बैठा था, उनने पहले आजम खान की चमचागिरी की, उनकी चमचागिरी करने के बाद फिर वो दूसरी तरफ उनके बीजेपी के में चला गया था, वहाँ पे जब तक उसका टर्म रहा वो जब तक रहा। तो वसीम एंड ये है वसीम रिजवी का, कि वसीम रिजवी ना दीन का ना धर्म का, वो किसी का नहीं है, खुद भी इसके सपोर्ट में कि अगर कहीं पे कुछ कब्जा है तो उसको हटाया जाए, लेकिन चार लोहे हटाने के लिए एक ईगो फाइट बना के आके यहाँ पे स्टंट करके इतने लोगों को इकट्ठा करना, ये कोई वैलिड चीज़ नहीं है। अगर आप नोटिस दे के आते सही से तो यहाँ के लोग खुद सपोर्ट करते। आगे अगर आपको इंक्रोचमेंट हटाने की बात करनी है ना, आप मीडिया से मैं दरख्वास्त करूँगा, यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर आगे जाएँ, आधे से ज़्यादा रास्ता कूड़े से भरा हुआ है, यहाँ का कूड़ा कौन साफ़ करता है? MCD साफ़ करती है, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं साफ़ हो रहा है? और न्यूज़ के लोग
आम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छा बताइए शाहीन बाग में हो रहा है तो क्या आपको लगता है जसोला में होना चाहिए? आपने अधिकारियों से ये चीज पूछने की कोशिश की कि अगर आप यहाँ पे ये पूरा लश्कर लेकर के आए हैं अपना, तो ये लाने से पहले ये चीजें प्यार से हो जाती, ये करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी ने कार्रवाई तो नहीं की ना सर, वो चले गए। जनाब ये सब होने से ये क्या है, अब इस एरिया को दिन भर ये न्यूज में हाईलाइटेड रहेगा, बदनाम रहेगा, शाहीन बाग फिर से हाईलाइटेड होगा जो दो साल पहले था। कहने का मतलब ये है कि अगर सवाल पूछना है तो जायज लोगों से सवाल पूछिए और जायज सवाल पूछ के जायज आंसर लेने की कोशिश करिए। ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, लोगों ने खुद हटा लिया अपना, खुद हटा लिया। आपको क्या लगता है क्यों बदनाम किया जाता है इस एरिए को या कौम को? मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूं, अगर आप मुझसे एक बात पूछेंगे, मुझे इतना पता है कि अगर दिल्ली को लुटियंस की दिल्ली हटा दें तो 40-45% पूरा दिल्ली एक अवैध अधिक्रमण में कच्ची कॉलोनियों में बसा हुआ एरिया है। अगर हम अधिक्रमण हटाने की बात करते हैं तो 45% दिल्ली का नक्शा खत्म हो जाना चाहिए, वो नहीं है। आप आए जहांगीरपुरी, आप आए शाहीनबाग, ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल है, ये मुद्दा किसी भी तरीके से एक कंसर्निंग मुद्दा नहीं है कि आप इस खंबे को हटा के आपने जनता का क्या भला किया। शायद आप वो कूड़ा हटा देते तो जनता का भला हो जाता, शायद वहाँ पर रहने वाले हज़ारों फैमिलियों के जो गंदी सांस की दिक्कत है वो सॉल्व हो जाती। कहने का मतलब ये है, ये आप जैसे चैनल आ रहे सवाल पूछिए, हमें जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आके सवाल पूछेंगे अच्छा बताइए शाहीन बाग में टूट रहा है, अब वो संगम विहार में क्यों नहीं टूटना चाहिए? हमें क्या मतलब संगम विहार के लोगों से, वो भी लोग हैं। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो MCD का काम है नोटिस देना, नोटिस दे के चीज़ों को हटा देना। अगर इनको भी नोटिस दे दी गई होती तो इतने भले लोग हैं हटा लेते, पर ये जो ड्रामा हो रहा है ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये अगेन एक एरिया को हाईलाइट करता है। कुछ न्यूज़ चैनल, मैं आपकी और किसी यहाँ पे किसी की बात नहीं कर रहा, बट कुछ न्यूज़ चैनल जो कहते हैं कि मिर्ची डालने का काम करते हैं, इस मामले को शाम में बैठ के 8-9 बजे के डिबेट में इसको मुद्दा बनाया जाएगा और मुद्दा बना करके इस एरिया को फिर से बदनाम करने की कोशिश, गलत दिखाया जाएगा क्या? बिल्कुल, आप नहीं जानते, आप न्यूज़ वाले हैं, आपको नहीं पता, आपको लगता है न्यूज़ आज के टाइम पर 100% सही न्यूज़ चल रही है। मैं आपको चैनल्स के नाम गिना सकता हूँ, आप मुझसे पूछिए। आज तक रिपब्लिक TV, सुदर्शन न्यूज, TV9, भारतवर्ष, ये क्या दिखाते हैं दिन भर? ये हमारे और हम जैसे बहुत सारे हिंदू मुस्लिम युवा जो एक दूसरे को भाई बोलते हैं, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, ऑफिस में जॉब करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये न्यूज़ चैनल इन सब चीज़ों को ख़राब करने का काम करता है, जो कि हकीकत हिंदुस्तान की कभी नहीं है हिंदू मुसलमान से लड़ाई करने का। हिंदुस्तान की हकीकत है साथ में अमन के साथ मोहब्बत से रहने का। अगर इंक्रोचमेंट है तो इंक्रोचमेंट पर बात करो ना यार, ये क्या मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, ये गलत मुद्दे हैं। इसमें चल रहा है ना सर माहौल, ये चल रहा है देश का आजकल, देखते हैं आप रामनवमी पे, देखते हैं हनुमान जयंती पे, देखते हैं, ये इसलिए बात कर। सर एक बात बताऊं, अगर ये मेरा घर है, आप रामनवमी सब बात छोड़िए तो घुमाने वाली बात है, लेकिन एक चीज़ हकीकत है, आप ये याद रखिएगा, अगर ये मेरा घर है, मेरे घर के नीचे खड़ा होकर कोई मेरी कौम को, मेरी माँ बहनों को गालियाँ देगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जहांगीरपुरी की हकीकत यही है, मैं उस मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहता, वो मामला कोर्ट में है, वो मामला न्यायिक जाँच में चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे है ये गलत मामला चल रहा है, और ये सब ये रिपब्लिक वाले घूम के मामला गलत कर रहे हैं यहाँ पे, ये माहौल बना रहे हैं ऐसा, फिर ये न्यूज़ ऐसे कौन कर रहा है? रिपब्लिक टीवी सिर्फ एक ही जिम्मेदार चैनल है, वो है रिपब्लिक टीवी। वो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं और कुछ नहीं करते वो।